ये ट्रैक्टर लेता है 1 लीटर, हाँ 1 लीटर एक लेता है। लीटर डीजल हो गया 100 रुपए का, ठीक हाँ, है ना। सही बात है। और 1 बीघा में 100 रुपए का धागा लगता है, हाँ तो दो सौ 150 मान ले, हाँ 200 मान ले सर, खर्चा सही 300 रुपये हो गया। 300 रुपये में 1 बीघा कट गया आपका, कट गया कहाँ सर 3,000, कहाँ 300। 300। तो क्या धागा काटने के लिए अपन एक लेबर नहीं लगा सकते 3 से टाइम। राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, तो भैया हम आ गए हैं पचोर में। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाया था किसान भाइयों, वो वीडियो इतना वायरल हुआ भैया, 35 लाख लोगों ने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया गेहूं आप बो चुके हो और अब बारी है आने वाले समय में 2 या 3 महीने बाद आपके गेहूं कटने लगेंगे, तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को टेंशन है भैया कि कौन सी मशीन ली जाए, कौन सी मशीन ली जाए। हर साल कुछ ना कुछ, जैसे पिछले साल की बात करें तो हमने एक शक्ति किसान की मशीन बहुत ज्यादा बेची और भारत की सबसे सक्सेसफुल मशीन में से एक मानी जाती है। किसान भाइयों के सजेशन आए, कुछ उनको कमियां लगी, तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया भैया मार्केट में फिर से। यादव जी से भी बात करेंगे, पर मैं पहले आपको सभी को लोगों बता दूं कि आज के समय में किसान भाइयों, बहुत सारे लोग हार्वेस्टर से कटवाते हैं, बहुत सारे लोग बाद में स्ट्रो रीपर चलवाते हैं, डबल डबल खर्चा करते हैं, लेकिन आप अपने पास में हर किसान भाई के पास में ट्रैक्टर होता है, थ्रेशर होता है, कमी है लेबर की, सबसे ज्यादा कमी सर लेबर की रहती है। तो लेबर की कमी को दूर करने के लिए मशीन आ गई है शक्ति किसान रीपर वाइंडर। इसमें क्या कर सकते हो आप, गेहूं नीचे से काट सकते हो, पुली बना सकते हो और खुद का चारा बना सकते हो। उससे चारा से क्या होगा कि थोड़ी महंगाई कंट्रोल में होगी, क्यों कि चारा सस्ता मिलेगा तो गेहूं दूध सस्ता मिलेगा, तो कुछ ना कुछ देखा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, पर समझने की जरूरत है। और ये 5th जनरेशन मशीन है, तो जानते हैं यादव जी से सबसे। सर राम राम, क्या हाल चाल? तिवारी राम राम, बढ़िया सर, बधाई। और जैसे सर लास्ट ईयर दर्शक है, हाँ हाँ, भी मेरा राम 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 राम। सर बात करते हैं ये 5th जनरेशन मशीन के बारे में, जी जी जी। क्या सर एक्स्ट्रा आया है इस बार? सर पहले साल से लेकर की, हाँ, और गए साल आपने वीडियो बनाया, बिल्कुल है ना सर, तो थोड़ा बहुत सजेस्ट जो किसानों ने करा, इसे गए साल की मशीन में भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, हाँ। और उसका सबसे बड़ा आप वीडियो बना के गए, आपने देखा भी होगा ना सर कितने भयंकर भयंकर, उस समय सीजन से सीजन पे ही बनाई थी हमने जी, जी, जी। तो किसान भाइयों ने बोला यार सर अब सीजन निकल गया, आप हमने पहली बना के डाल दी, आप शांति से बैठे किसान भाई, सोचो समझो और यादव जी से सीधा से कॉन्टेक्ट कर लो, बुक करवा दो, अभी सब फ्री बैठे हुए हैं शांति से, है ना सर जी जी। और अभी थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, बिल्कुल सीजन पे थोड़ा महंगा हो जाता डिस्काउंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी दिसंबर में जो भी किसान लेना चाहे, हाँ, है ना, उसको डिस्काउंट रेट में, बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितना अच्छा वीडियो लेके आए हम आपके लिए। तिवारी जी मशीन कितनी सक्सेस है, बिल्कुल इसका अनुमान तो आप इससे लगाइए कि अपने गए साल इसी काउंटर से सुविधा मार्केटिंग कंपनी पचोर से 500+ गए हैं। कितना है सर? 500+, मतलब उससे अंदाजा लगता है कि क्या सक्सेस होगी, क्या सक्सेस मशीन है। और जहां भी जाओ वहां मुझे शक्ति किसान ही दिखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक डीलर नहीं, हजारों डीलर हैं इसके भी, तो सर बस जो हमारे यादव जी हैं इनकी बात ही अलग है। और एमपी में सर ऑल एमपी में सेल एवरेज 5,000 मशीनों का सेल हुआ, सोचो वो इंडिया का सबसे ज्यादा सेल, मतलब क्वांटिटी वाली मशीन है, बिल्कुल सर। इसको अब गए साल भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी सर, और आज इस मशीन में जितने भी पार्ट्स हैं छोटे से बड़े जितने होंगे सर, खुद गुरु एग्रो मैन्युफैक्चर करता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहीं से भी एक कोई भी नट भी अपन दूसरे से लेके नहीं लगा, नहीं लगा, चाहे नोटिंग हो, नोटिंग के पार्ट्स हो, है ना सर। इस बार सर चेंजेस भी हुए हैं, अपग्रेड भी हुए मशीन में। सर गए साल में अपन ने क्या करा था कि बी बेल्ट दिया था, जो पुली आप देख रहे हैं ना सर, इसमें पुली भी फिक्स थी, इसको पुली को अपने चेक नट से कर दिया है ना, बेल्ट भी एक बड़े वाला सी बेल्ट कर दिया, बी की जगह सी कर दिया, उसकी मोटाई बढ़ जाती है। अब इससे कितना ही हरा आप काट सकती हो, वैसे अच्छा। तो गेहूं पकेगा तभी काटोगे, हाँ, लेकिन यदि कोई ऐसा बोलता है, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, हाँ 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 बिल्कुल नहीं होगा सर, कितनी भी हो तो वो काट सकते हैं, कोई स्लिपेज नहीं होगा इसमें सर। इतना एक और सुधार अपन ने कर दिया, इधर आइए इधर दिखाएंगे बिल्कुल सर। ये जो पूरी देख रहे हैं सर, तो कभी कभी क्या है गियर में कोई दिक्कत ऐसी आती है, अब ये क्या, ये चार पांच नट खोल के इसको ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है ये, ओहो, है ना, जो क्लच रहता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बेल्ट चेंज करना है तो उसमें भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है,
ये चेक नट से आप पुली भी चेंज कर सकते हो, कोई समस्या बिल्कुल है ही नहीं। ये गियर पूरा सर, ये प्रेस पहले पूरा वेल्डिंग होता था और ये पूरा का पूरा प्रेस अब देख रहे हैं ना, काफी चेंजेस है ना, पूरा चेंज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाली मशीनों में कुछ चेचिस हल्का था या कोई कंप्लेन थी किसानों को, तो वो भी हैवी कर दिया, कोई टूटने फूटने झुकने की कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। सर एक बात करते हैं, सबसे पहले सर जैसे ब्लेड अपने लगे हुए हैं, हाँ हाँ, कितनी सर्विस देते हैं सर, कितनी बार सर? ये दो सीजन आराम से, वैसे तो कुछ नहीं होता यदि इसको में आपको दो तीन सीजन कुछ नहीं होता अगर समय से सर्विस करते रहो। दे इसको है ना, अब जब भी अपना काम हो गया फ्रेश करा, धो धा के करा रख दो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा सर, ब्लेड तो बहुत क्वालिटी वाले हैं। जैसे कुछ चीजें हैवी की हैं तो इससे कुछ ट्रैक्टर पे लोड पड़ेगा? नहीं नहीं, ट्रैक्टर पे क्यों लोड पड़ेगा सर। और कितने एचपी सर ट्रैक्टर हम लगा सकते हैं इसमें? 24 प्लस कोई भी होगा, 24 प्लस से चालू हो जाता है, कोई भी होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 35 एचपी सर, ये दो साल से मशीन चला रहा। अच्छा, ये अभी किसान ने नई मशीन ली है इस पे। अच्छा सर, सुविधाएं कहाँ कहाँ दे रहे हो एमपी में अपने, कहाँ कहाँ डीलर है, कहाँ कहाँ वहाँ खुद जाकर फिट हो जाएगा? सभी जगह मिल जाता है सर, कोई दिक्कत, कॉन्टेक्ट आपसे करे किसान भाई, आप वहीं के लगवा दो, कोई 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 दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फील्ड में सर्विस के लिए लड़के भी रहते हैं, हाँ बस सर देखिए जब भी वो मशीन लेके जाए फिटिंग हो जाए तो 4-6 दिन पहले बता दे कि हमें मशीन चालू करना है, बस 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 है ना सर, वो कोई दिक्कत नहीं। सर एक और चीज है, कुछ नया ट्राई किया सर इससे, इस बार कौन कौन सी फसलें और एक्स्ट्रा काटी? जैसे आप बता रहे हो धान भी कटा है इस बार हमने, तो धान है सर, धान में कोई दिक्कत नहीं, बड़ी फसल होना चाहिए, गिरी फसल होगी तो नहीं काट पाएगा। अच्छा अच्छा, बड़ी फसल कोई भी होगी, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, हमने धनिया भी ट्रायल किया, धनिया हो गया, हो गया, कलौंजी कलौंजी का कलौंजी भी वो भी कटा है, यानी कि 4 फीट की कोई भी फसल यदि इसका डंटल सीधा है, सीधा है तो काट के बंडल बना देती है, है ना सर। कई लोग क्वेश्चन करते हैं सोयाबीन का, तो सोयाबीन में दिक्कत होती है, या तो झड़ने की होती है या फिर क्या उसमें कहीं ना कहीं हरापन बेले वगैरह होती है, उसमें परेशानी आती है। हम केवल इसको रिकमेंड करेंगे गेहूं और धान पेड़ी, है ना, खड़े, हाँ 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 हाँ, कोई भी 4 फीट की फसल यदि खड़ी है व्यवस्थित है वो कट जाएगी, दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल हरा चारा भी काट सकती हो। सर एक चीज और मेरे को एक आई थी, तो किसान भाइयों को प्रश्न रहते हैं कि सर गट्ठे में कभी कभी समस्या उनको आती है जी जी बांधने में, बाकी कोई समस्या नहीं, ना तो काटने में है ना कुछ भी है, सबसे ज्यादा जो कमेंट आए वो आते हैं बांधने के लिए जी जी। तो पुली बांधने के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? सर उसमें कुछ नहीं, कई वीडियो भी मेरे पहले से भी चल रहे हैं, होता कुछ नहीं सर, यहाँ ये चाकू और इसकी सेटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है, बस है ना सर। या समय समय पे जब भी आप बंडल इसमें चेंज करें तब इसको सफाई करते रहें, बस सफाई करते रहें, है ना। पहले गई बार अपने वीडियो इसका भी दिया बनाया था, बिल्कुल बनाया, अभी भी है वो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी अपन पूरा वीडियो बना के दे सकते हैं। बाकी भी तो क्या रहता है, जैसे किसानों को अपना वीडियो कॉलिंग से भी समझा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ऐसी कोई समस्या है नहीं, और मेरे ख्याल से अब इसमें कोई समस्या नहीं के बराबर आना है। कितना सर मोटा गट्ठा बन जाता है इसमें किसान भाई, कितना मोटा बना सकते हैं? साइज से होता है सर, वो तो जैसे मर्जी, ये देखिए, अच्छा ये छोटा बड़ा यहाँ स्प्रिंग दे रखा है ना सर, ये जैसे इधर हटाते जाएंगे बंडल छोटा होता जाएगा, अच्छा तो हटाते ये तो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये छोटा बड़ा अपनी मर्जी के ऊपर, मतलब एक एवरेज बन जाता है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। सर पिछले बार किसान का एक और प्रश्न था जी जी, ये जो धागापन यूज करते हैं, जब गट्ठे बनते हैं तो रस्सी उसी में बन जाती है, फिर जब उसको चारा बनता है उसका, तो बोले यार ये पशुओं में जाता तो कोई सर नुकसान तो नहीं होता है? नहीं नहीं सर, क्या रहता है देखिए, ये प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, अच्छा भूसा कुछ वेट होता है उसमें, हाँ वो प्लास्टिक के जो बारीक रुए होते हैं वो में बहुत दूर चले जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये प्रैक्टिकली है। अच्छा अच्छा, और भी किसान को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं बिल्कुल फ्रेश ये जाना ही नहीं चाहिए, हाँ तो चाकू या कुछ भी ले थ्रेशर में जब वो लगाता है उसके पहले उसको निकाल वो संका ही खत्म हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं यार किसान भाइयों, जैसे फेंक सकते हैं। हमारे यूपी में ना देखा है कि बड़े गट्ठे होते हैं ना उसमें लोग चाकू से काट के फेंक देते हैं, वो तो सर इधर कटनी वगैरह में तो बहुत बड़ा बंडल बनाते हैं, हाँ बहुत बड़ा बंडल बना देते हैं, करेक्ट करेक्ट ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और अगर जा भी रहा है तो इतना बारीक होता है कि वो थ्रेसर से निकल जाता है, बहुत दूर चला जाता है, हवा में दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहो तो सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि आप उसको चाकू से काट के अंदर डाल दो, अब इतना श्रम तो किसान कर सकता है ना, हसिया रहता है ना आपके पास में, हसिया बड़ा वाला, उससे काट के दराता दराता रहता है, तो उससे आप हटा सकते हो। कोई सर मैं अभी थोड़ा सा एक जानकारी इसके बारे में आपको दे दूं, अभी तो बहुत सारे जनरली आज के टाइम पे किसान में कहीं भी एमपी लेवल पे कहीं भी जाओगे ना जरूर, 1 क्विंटल 20 किलो गेहूं लेते हैं, एक बीघा काटने के 1 क्विंटल, हाँ कितना लेते हैं एवरेज बता रहा हूँ मैं,
है ना सर। वो आज के टाइम पे गेहूं हो गया 2700 रुपए क्विंटल, 2700 हो गया, अभी अभी और बढ़ेगा। तो एवरेज 3000 रुपए का है, उसको देना है, देना ही है एक बीघे का। ज्यादा कितना देना है सर? हाँ 3000 का, 3000 हो गया। सर ये ट्रैक्टर लेता है 1 लीटर, हाँ एक लीटर लेता, एक लीटर डीजल हो गया 100 रुपए का। हाँ 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 ठीक है, सही बात है। और एक बीघा में 100 रुपए का धागा लगता है, 150 मान ले, 200 मान ले सर, खर्चा सही 300 रुपए हो गया। 300 रुपए में एक बीघा कट गया आपका, कट गया। कहाँ सर 3000, कहाँ 300। तो क्या धागा काटने के लिए अपन एक लेबर नहीं लगा सकते थ्रेसर टाइम? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने मैक्सिमम 500 रुपए भी खर्चा कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये कई लोग भाड़े से चलवाते हैं, 1500 रुपए बीघे के एवरेज ये कटवाते हैं, कटवाते हैं एक घंटे में मिनिमम एक एकड़, यानी 2 बीघा ये मशीन काट देती है। कितना? 2 बीघा काट देती है। रिकॉर्ड की तोड़ पे सर ये करीब 1 हेक्टेयर 5 बीघा तक भी इसने काटा है, काटा। वो मेरे पास वीडियो किसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा प्लाट होगा। हाँ। किसान थोड़ा एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट होगा है ना सर, हर जगह ग्रीस वगैरह टाइम से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आराम से वो 1 हेक्टेयर ने 4 बीघा भी काटने वाले किसान मेरे पास एक घंटे में। सर अब बात आ जाते हैं इसके फाइनल चीज पे, सर क्या प्राइसिंग रखा है इसका सर, अभी क्या है? अभी सर चल कर दो धमाका। सर एवरेज क्या रहता है सर? जनरली ये मान के चले एवरेज कीमत, एवरेज कीमत बताओ। 2,50,000, 2,50,000 रुपए है अभी एवरेज कीमत, एवरेज बता रहा हूँ। और अभी इस महीने सर जब भी किसान आए 15 दिनों में कोई डिस्काउंट भी होता है सर, जरूर होगा, बिल्कुल होता, अच्छा ऑफर मिलेगा। क्यों सर, फिटिंग तो यही हो ही जाएगी, साथ में ही है ना प्राइसिंग, फिटिंग के साथ। फिटिंग है, देखिए ना ये पूरा फिटिंग है, प्रीपर हो गया आपका, फिटिंग अटैचमेंट हो गया, पंप हो गया, पीटीओ हो गया, ये पूरा उसी के साथ है। और जाता भी है तो पूरा मटेरियल साथ में जाता है, पूरा पूरा जाता है। आपको एक नट बोल्ट भी लेने की आवश्यकता नहीं है यादव जी, सारी चीजें आपको कोई भेजेंगे, कोई समस्या नहीं। कोई भी बिल्डिंग वाला इसको फिटिंग कर देगा, ज्यादातर तो हम क्या पूरा अटैचमेंट देते ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, केवल मेन होता है ये इतना ट्रैक्टर के जो बोनट होता है, शेप होता है, उसी को थोड़ा लगे चेंजेस होता है, बाकी तो रेडीमेड ही है, सब कुछ रेडीमेड ही है पूरा, कोई भी बेल्डिंग वाला कर देगा, किसी ने भी कभी रिपर फिट कराओ कोई भी कर देगा सर। और इस बार नया नाम भी आया है, द मॉडर्न मशीन मैजिशियन, नेम ऑफ ट्रस्ट शक्ति किसान, तो देख सकते हैं किसान भाइयों। तो एक और चीज बता दें सर, पुराने ट्रैक्टर भी रखते हो कुछ इस? हाँ, पुराने रखते हैं, ये भी पुराने ट्रैक्टर भी है अगर किसी को चाहिए हो। बिल्कुल, और नए तो है ही एंड ऑफ फॉर्म है ना। क्या लगता है 1,00,000 रुपए का ट्रैक्टर ले लिया आपने? हाँ, 2.5 लाख की मशीन 3.5 लाख रुपए में शानदार काम हो गया, और एक ही सीजन में कमा सकते हैं। टोटल सॉल्यूशन है भैया सर के पास में, सॉल्यूशन है भैया, टोटल सॉल्यूशन। तो किसान भाइयों कैसा लगा ये वीडियो, और क्लिप भी हम डालेंगे इसके साथ में कि लास्ट ईयर कैसा है। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट बता दूं, थोड़ा सा पढ़ लो भैया यहाँ से, ये मशीन चलाने से पहले ध्यान देने योग्य बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी आप देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने शक्ति किसान रीपर की सर्विसिंग कैसे करें, जिन्होंने मशीन ले चुके हैं ध्यान कैसे रखें, उसका वीडियो हम आपके लिए सेपरेट लेके आएंगे, तो वेट करिए कुछ समय का। धन्यवाद।